الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. मोहतरम हजरात और पर्दा नशीन ख्वातीन इस्लाम, माह रमज़ान अल्लाह तबारक व ताला ने हम और आपको ये जो अता किया है, इसके मकासिद में से एक मकसद ये भी है कि हम और आपको अल्लाह तबारक व ताला मुत्तकी बनता हुआ देखना चाहता है। كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, कि आप और मैं तकवे के मेयार पर पूरे उतरने वाले बन जाएं। अब आदमी को मुत्तकी होने के लिए यह जरूरी है कि वह तकवा क्या है यह जाने और उन तालीमात को पहचाने जिन तालीमात पर अमल करने से वह अल्लाह ताला के पास मुत्तकी बनता है। जाहिर बात है जब हम इसकी गुफ्तगू करेंगे तो इसमें ईमान और अकीदे की बहुत सारी बातें आएंगी, इबादतों का बड़ा लंबा तज़किरा आपके सामने आएगा, मुआमलात और अखलाक की भी एक लंबी फहरिस्त आएगी, हलाल और हराम की भी बहुत सारी बातें हमारे और आपके सामने आएंगी। लेकिन दीन का एक बाब ऐसा है, दीन का एक मैदान ऐसा है कि जिसके ताल्लुक से हमारे पास कमी भी बहुत ज्यादा है और उससे मुतालिक गुफ्तगू भी बहुत कम होती है। यानी यूं समझिए कि तकवा इख्तियार करने के बाब में हलाल और हराम की बात हो, ईमान और अकीदे की बात हो, इबादात की बात हो, मुआमलात के सुधार की बात हो, अखलाक को संवारने की बात हो, हम आम तौर पर इस पर गुफ्तगू करते रहते हैं। लेकिन हमारे और आपके दीन का सिखाया हुआ एक बाब, एक मैदान ऐसा है कि जिससे मुतालिक बहुत कम हम सुनते सुनाते हैं और उतना ही ज्यादा खलल हमारी जिंदगी में उसमें पाया जाता है, और वो मैदान है, वो बाब है आदाब का। इस्लामी जिंदगी के जो आदाब हैं, एक मुसलमान की जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला का सिखाया हुआ जो अदब है, ये अदब भी हम और आपको अपनाना चाहिए अगर हम और आप वाकई मानों में अल्लाह के मुत्तकी बंदे बनना चाहते हैं। आप सोचते होंगे ये अदब क्या है, जिंदगी के आदाब का मतलब क्या है, कौन सी बातें हैं जिनका तज़किरा कम होता है और हमारी और आपकी जिंदगी में खलल भी पाया जाता है। तो देखिए, हमारी और आपकी जिंदगी में एक बात यह भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जो रोजमर्रा के मुआमलात हैं, खाना पीना सोना जागना चलना फिरना उठना बैठना, घर के अंदर आना बाहर जाना, कजाए हाजत करना, कपड़े पहनना, छींकना खांसना, ये जो रोज के मामूलात हैं इंसान की जिंदगी के, हमारा जो दीन दीन इस्लाम है, इस दीन इस्लाम ने हम और आपको इनमें से हर एक मसले को करने का एक तरीका सिखलाया। आप ताज्जुब ना करें, इस्लाम ने यह तक सिखलाया है कि मियां बीवी की जो खलवत होती है, तन्हाई, मियां बीवी के जो खसूसी मामलात होते हैं, वहां भी एक आदमी को, एक मर्द को और औरत को किन बातों का, किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए, इस्लाम ने यह भी सिखाया हम और आपको। आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम के अंदर ये जो आदाब का मैदान है, ये बाब बहुत हमारी और आपकी जिंदगी से गहरा रिश्ता रखने वाला बाब है, और हमारी और आपकी जिंदगी की ये सच्चाई है कि हम में की एक बड़ी तादाद इन आदाब से नावाकिफ है। आप ये बात याद रखें, इस्लाम ने हम और आपको हर चीज सिखाई। मिसाल के तौर पर एक दो बातें आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये आदाब क्या होते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने काफिरों के बारे में कहा, वल्लदीन कफरु यतमत्तउन वयाकुलून कमा ताकुलुल अनआम वन्नारु मस्वल्लहुम। अल्लाह ने काफिरों के बारे में, गैर मुस्लिमों के बारे में यह बात कही, ईमान वालों के मुकाबले में जो दुनिया में इंसान जीते हैं, कहा कि इनकी जिंदगी में बस दुनिया के मजे लूटना यही इनकी जिंदगी का मकसद होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मोमिन का यह तरीका नहीं होता है। और उससे आगे का, वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, और ये काफिर जब खाते हैं तो बिल्कुल जानवरों की तरह खाते हैं।
ईमान वाले का मसला क्या है? ईमान वाले को अल्लाह ताला ने वो तहजीब, वो सलीका, वो तरीका सिखलाया है कि खाता वो भी है, जानवर भी खाता है, ये भी खाता है, लेकिन जानवर के खाने और एक इंसान के खाने में एक तहजीब होती है, एक तमीज होती है, एक सलीका होता है, एक अदब होता है, और उस अदब को जानकर अपनी जिंदगी में अपनाना ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी हुआ करती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्या अदब सिखाए थे, यहूदियों को पता चला, हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह भी सिखाया है कि बैतुल खला में अगर हम जाते हैं तो जाहिर बात है कि एक ऐसी मौजू है, ऐसा टॉपिक है जिस पे बोलना लोग पसंद नहीं करते, लेकिन अल्लाह के नबी ने वहां इतनी इतनी बारीक बातें हमें सिखाई हैं कि लोगों को पता चला, यहूदियों को, तो हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजाक उड़ाने लगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, वो कहने लगे कि अल्लमकुम नबीयुकुम कुल्ल शय हत्ता अलखिराअ, तुम्हारे नबी ने तुम्हें सब सिखाया, हत्ता के जो लफ्ज आया है उसका तर्जमा करता हूं, हत्ता के तुम्हें पेशाब पखाना करना तक सिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी बड़े फख्र से कहते हैं कि हां अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया, और क्या सिखाया ये तुमको बताता हूं। अल्लाह के नबी ने ये सिखाया कि इस्तिंजा खाने में जब अंदर जाएं या हम कहीं कज़ाए हाजत के लिए बैठें तो किबले की तरफ हमारा रुख ना हो, पेशाब करते हुए, कज़ाए हाजत करते हुए किबले की तरफ हमारा रुख ना हो। दूसरा अदब यह सिखाया कि हम दाहिना हाथ इस्तेमाल ना करें, अपनी शर्मगाह को सीधा हाथ, दाहिना हाथ ना लगाएं। और अल्लाह के नबी ने यह भी सिखाया कि अगर पानी के बजाय ढेले वगैरह से पाकी हासिल कर रहे हैं तो फिर जो गोबर वगैरह होता है उससे पाकी ना हासिल की जाए, और ऐसे कोई हड्डी उड्डी मिल जाए तो उससे पाकी हासिल ना की जाए। अरब सहरा के लोग, सहरा में उनको ढेले कहां से मिलेंगे, पत्थर कहां से मिलेंगे, तो जानवर की हड्डी भी मिल जाती, कभी वही ऊंटों का कुछ, उनकी गंदगी जो मिलती, जो उनका गोबर होता वो मिल जाता। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तक सिखाया कि इन चीजों से तुम इस्तिंजा ना करो। हजरत सलमान फारसी ने ये बताया उनके सामने। बताने का मकसद ये कि बात बहुत लंबी है, और आज आपके सामने ये बात मैं बताना चाहता हूं कि इस माह रमजान में मैंने ये इरादा किया है कि हम पूरे रमजान में यही आदाब जिंदगी सीखेंगे, हम और आप ये आदाब जिंदगी सीखेंगे कि हमारी जिंदगी के हर मामले का एक अदब इस्लाम ने सिखाया वो हम और आप सीखेंगे। क्यों सीखें, इसके फायदे क्या होंगे? सबसे पहले तो एक इंसान मुहज्जब इंसान बनेगा, हम और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। लेकिन आपको इसके फायदे अगर गिनाना चाहूं तो बहुत तेजी से मैं गिनाकर अपनी बात समेटना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहला फायदा इंसान को यह होगा कि खाना, पीना, इस्तिंजा करना, सोना, उठना, घर से निकलना, घर में दाखिल होना, ये हमारी आदात है, ये हमारे मुआमलात हैं। इसमें फी नफसी कोई सवाब या अजाब की बात नहीं है, लेकिन अगर वही खाने में हम इस्लामी आदाब का ख्याल रखकर खाएंगे तो हमारा खाना भी इबादत बन जाएगा। सोना हमारी जरूरत है, लेकिन सोने में इस्लाम के सिखाए आदाब अगर हम सीखेंगे और उनकी पाबंदी करेंगे, यह हमारा सोना भी इबादत बन जाएगा। और हत्ता कि आपके लिए लफ्ज ताज्जुब खेज होगा कि आदमी अपनी जरूरतें पूरी करे, कदाए हाजत करने जाए, या तन्हाई में अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारे, वहां भी इस्लाम ने आदाब सिखाए। बजाहिर वो इंसान का एक प्राइवेट मामला है, लेकिन वो प्राइवेट मामलात भी इंसान के लिए एक इबादत के दर्जे में चले आएंगे। ये कितनी बड़ी बात होगी, ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हम और आपको अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, इबादत के लिए पैदा किया है। आदाब एक ऐसी चीज है कि हम और आपको चलता फिरता बंदा बना देते हैं, हमारी जिंदगी चलती फिरती बंदगी बन जाती है, हम अल्लाह ताला के बंदे बन जाते हैं। हम उठते हैं तो सवाब है, बैठते हैं तो सवाब है, मुंह खोलते हैं तो सवाब है, अपने मुंह पे कंट्रोल रखते हैं तो सवाब है। शर्त यह कि वह आदाब हम और आप सीख ले। और यहां यह भी मैं कहूं, हमारे और आपके समाज में अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में दुआओं का एहतमाम है, यानी हमें दुआएं सिखाई जाती, सीखते हैं, दुआओं का इस्तेमाल करते हैं। आदाब जिसे कहते हैं, ये दुआओं के अलावा एक और चीज है, जैसे खाते वक्त बिस्मिल्लाह कहना ये दुआ है, लेकिन अदब ये है कि खाते वक्त दाहिने हाथ से खाएं, आप अपने बर्तन में अपने करीब से खाएं, तफसील जिनकी आएगी। तो हर काम से मुताल्लिक दुआ एक होती है और दुआ से मुताल्लिक आदाब एक होते हैं, हमें आदाब सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहला फायदा यह होगा कि हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो मामूलात हैं, वो इबादत बन जाएंगी अल्लाह ताला के पास, उस पर भी हमें सवाब मिलने लगेगा और इस तरह हमारी जिंदगी में नेकियां बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा फायदा यह होगा कि बाज इबादतें हैं,
लेकिन उन इबादतों को जब अदब के साथ अदा किया जाता है तो उन इबादतों का दर्जा बुलंद हो जाता है। जैसे मस्जिद को नमाज के लिए हम आते हैं, नमाज को मस्जिद के लिए आना यह हमारी इबादत है, लेकिन इस मस्जिद के आने से मुताल्लिक मस्जिद में जब तक हम रहें वहां किन बातों का, किन आदाब का लिहाज रखना है अगर रखेंगे तो फिर हमारी यह इबादत और ऊंचे दर्जे की इबादत बन जाती है। दूसरा बड़ा फायदा, आदतें इबादत में बदल जाती हैं और इबादतें आला दर्जे की इबादतें हो जाती हैं। और तीसरा फायदा यह होगा, आप ये बात सुने और ये हमारी और आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी, यानी कहिए कि बीमारी पर से पर्दा उठाने वाली बात है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक बात कहा करते थे, कहते थे मन तहावन बिल आदाब उकिब बिहरमान सुनन, जो आदमी आदाब को हल्के में लेता है, आदाब के अपनाने में सुस्ती करता है, सजा के तौर पर वह सुन्नतों से महरूम कर दिया जाता है, वह उससे ऊपर का दर्जा। वमन तहावन बिस्सुनन, और जो आदमी सुन्नतों में सुस्ती करता है, उकिबा बिहरमानिल फराइज, उसे फराइज से महरूम करने की सजा दी जाती है। वमन तहावन बिल फराइज, और जो आदमी फराइज में कोताही करने वाला होता है, सुस्ती करने वाला, लापरवाही बरतने वाला, उकिबा बिहरमानिल मारिफा, अल्लाह की सच्ची मारिफत जो उसे हासिल होनी चाहिए उससे महरूम कर दिया जाता है। तो आप ये बात देखें कि आज हमारी जिंदगी में आदाब नहीं, इसलिए सुन्नतें हमसे छूटती हैं, और जब सुन्नतों को जाये करने पे आते हैं तो फराइज छूटते हैं, और जब फराइज में कोताही होती है तो अल्लाह ताला से वो ताल्लुक व मोहब्बत का जो रिश्ता है वो खुद ब खुद कमजोर पड़ता चला जाता है। वह दूसरे अल्फाज में यह मालूम हुआ कि ये आदाब की हिफाजत दरअसल मरहलावार मेरे और आपके दीनों ईमान की हिफाजत है। इन आदाब का ख्याल रखना ये मेरे और आपके दीनों ईमान की हिफाजत है। और आदाब का एक बड़ा फायदा और होता है, वो है दुनियावी फायदे आदाब के अंदर बहुत सारे रखे गए। आपके सामने एक आदमी खाने के लिए साथ में आपके बैठे, बेतहाशा खाए, बेतरतीबी के साथ खाए, बद तहजीबी के साथ खाए, आप अपना खाना नहीं खा पाते, आपकी तबीयत उकता जाती, लेकिन वही सामने पहला बैठने वाला आदमी खाने की तमीज रखता हो, सलीके से खाता हो, महजब इंसान हो, तो ऐसे आदमी के साथ खाना आपको अच्छा लगता है। सादा अल्फाज में इसको समझाना चाहें तो यूं समझिए, आदाब आपको एक महजब इंसान बनाते हैं, और इसके नतीजे में लोगों के अंदर आपकी शख्सियत, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, आपकी शख्सियत के निखार और सुधार का जो काम है वो होने लगता है। और इसके साथ एक फायदा यह भी होता है कि बहुत सारे इस्लामी आदाब ऐसे हैं कि उनके दुनियावी फवाइद बहुत सारे हैं। जैसे एक अदब सोने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया कि सोने से पहले 3 मरतबा अपना बिस्तर आदमी को झाड़ना चाहिए। कितने ऐसे वाकियात आपको सुनाए हम, कई अहले इल्म ने लिखा है कि महज इस सुन्नत पर अमल करने की वजह से कई मरतबा अल्लाह ताला ने जान बचा ली। ऐसा हुआ, आए अपना बिस्तर झाड़ा, जब बिस्तर झाड़ा तो देखा सांप उसके अंदर से निकल के जा रहा है, कहीं से आके बैठ गया था, आप वैसे ही लेट जाते, क्या पता वो जहरीला सांप आपको डस लेता, जान निकल जाती। आपने एक सुन्नत को अपनाया, एक अदब पर आपने अमल किया, बिस्तर को आपने झाड़ा, तो उस बिस्तर को झाड़ने की वजह से दुनियावी फायदा भी आपका हो गया। और आखिरी बात जो इस हवाले से आज के दर्स में कहना चाहता हूं, यह बात याद रखें, हम ये जो बात सुनते हैं कि औलाद की तरबियत करनी चाहिए, तरबियत का सबसे अहम बाब यही आदाब है, यही आदाब है जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है। और आज आप बताएं, हमें खुद आदाब मालूम ना हो तो हम क्या अपने बच्चों को सिखा पाएंगे? अदब हमें खुद नहीं मालूम है तो हम क्या अदब अपने बच्चों को दे पाएंगे? कुरान मजीद की आयत बड़ी मशहूर है, आप सभी सुनते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने अहलो आयाल को जहन्नम की आग से बचाओ, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। ये आयत आपने सुना है। अब ये इंसान अपने बच्चों को कैसे आग से बचाए, अपने घर वालों को कैसे आग से बचाए, इसकी तफसीर करते हुए हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया है अद्दिबूहुम वअल्लिमूहुम, बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब ही यह है उनको अदब सिखाओ, उनको इल्म दो, अदब दो। इल्म भी चाहिए, अदब भी चाहिए। आज हमारे समाज में अदब इल्म किसी हद तक देते हैं, बच्चों को थोड़ी बहुत बातें पढ़ाते हैं, लेकिन अदब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। इसी वजह से देखिए, हम में से बहुत सारे लोग उम्र में बड़े हैं और हर हैसियत से बड़े हैं, लेकिन उनके अपने आदा तो अतवार में वो तहजीब नहीं, वो सलीका नहीं, वो अदब नहीं जो एक मुसलमान की शख्सियत में होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये मुनासिब समझा है कि इस पूरे महीने के अंदर हम और आप इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि यही हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के जो मामूलात हैं,
इन मामूलात से मुतालिक इस्लामी शरीयत के सिखाए गए जो आदाब हैं उन आदाब को सीखेंगे और उनकी जिंदगी में अपनी जिंदगी को हम और आप संवारने की कोशिश करेंगे। तो आज के दर्स में मैंने जो बुनियादी बात आपके सामने रखनी चाहिए वो ये कि अदब जिसे कहते हैं ये क्या है और इस अदब की हमारी जिंदगी में अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, ये आपकी समझ में आए। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके सामने वाजे होगी और अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इस महीने भर के जो दुरूस होंगे अल्लाह वो सब हमें सुनने के समझने की तौफीक भी अता फरमाए और उसकी रोशनी में अपनी जिंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।